गाइस, बहुत दिनों के बाद फिर से एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ। और आज हम जा रहे हैं एक छोटे से वाटरफॉल में, या नहाने की जगह आप वाटरफॉल बोल सकते हैं और कुछ ही बोल सकते हैं। तो वो थोड़ा हमारे यूपीएस से ऊपर एक भाववाला पड़ता है, भाववाला से थोड़ा ऊपर हमें वो वाटरफॉल मिलेगा। और मैं आपको दिखाऊँ कहाँ पे वो लोकेटेड है और क्या सब लगेगा वहाँ पे। और अभिषेक भाई आ चुके हैं हमारे साथ। ये देखिए, अभिषेक भाई हमारे साथ आ चुके हैं, तो आपको मिलते हैं डेट वहीं पे। तो गाइस डुंगा आ चुका है और डुंगा से हमें देखिए ये भाववाला के लिए जा रही है सीधी रोड, और ये हमें इस साइड जाना है, पट्टी वाली रोड पे जाना है वो, तो इससे हमें सीधा जाना है। और अभी आपको रास्ता दिखाऊंगा मैं। तो भाई उसी सीधी रोड पे कम से कम 1 किलोमीटर जाने के बाद ऐसी कच्ची रोड आएगी, तो हमें वहीं पर चले जाना है। तो आपको ये मंदिर दिखेगा और आपसे यहाँ से भी आपको सीधा जाना है। और इस मंदिर में पत्ते बिना चढ़ाए आप ना जाए, इसमें पत्ते चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, और नहीं चढ़ाओ तो शुभ माना जाएगा। तो ये आ चुके हैं हमारे अभिषेक भाई, तो पत्ते चढ़ाने, सूखे पत्ते चढ़ा रहे चढ़ाओ, तो इसे चढ़ पत्ते चढ़ाने के बाद निकलते हैं हम। तो अभी आपको मंदिर से काफी आगे आकर कम से कम 1 किलोमीटर आकर ये दिखेगा ग्राम पंचायत का ये बोर्ड दिखेगा, इससे भी आपको आगे निकलते जाने चले जाना है। देख भाई ये भी हमारा आयुष भाई, मैं और कुणाल हम साथ में, और अभी दो भाई हमारे पीछे आ रहे हैं, और मेरे बालों को देख के मेरी हाथ का अंदर जाना लगा है क्योंकि मैं नहाया हूँ। तो आपको यहाँ पे पहुँचने के बाद ये पानी का वो दिखेगा, उसके बाद आपको सीधा चले जाना है यहाँ से, और यहाँ पे अपने आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। ये कुणाल और वंश हमारे साथ, और हम पैदल जा रहे हैं, रास्ता ये है चुप रहे, और वो बाइक लेके जा रहे हैं दो हमारे साथ के। तो आप बाइक ना लाएं यहाँ पे क्योंकि काफ़ी रिस्की है, और हम आए नहीं बाइक लेके, वो अपनी चला रहे थे बाइक लेके जा रखे। तो अभी यहाँ से कम 1 किलोमीटर का ट्रैक है जो हमें पैदल जाके पूरा करना होगा। तो आपसे मिलते हैं रास्ते में, या फिर आपको वहीं पर मिलते हैं डायरेक्ट लोकेशन पर। और हमारे साथ कुणाल भाई, देखिए ऐसी जगह पे बड़ी मुश्किल से गाड़ी जा रही है, और गाड़ी के टायर घिस चुका है पूरा, और बहुत ही बुरे हालात इनके। जबरदस्ती सौदा मना करने के बाद भी इतना आ रहे थे पंडित समाज के, देखते हैं क्या होगा। वीडियो पूरी बनेगी, पूरी डलेगी, और देखिए जबरदस्ती का सौदा कैसे जा रहे हैं लल्लुतरू की तरह। ये है, ये है, ये है। तो आप अगर आप गाड़ी लाना चाहते हैं, आप एडवेंचर करना चाहते हैं, तो आप ला सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, अगर आप आपके पास ऐसी गाड़ी है तो आप ना ही लाएं, क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आता, और कुछ लोग यहाँ पर लाएं। तो कृपया करके हम आपसे विनती करते हैं, आप गाड़ी ना लाएं, बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। दुखी हमारी बात नहीं मानेंगे तो दुख होंगे ही, मैं क्या करें। चलो चलते हैं नीचे, नहाएंगे और थोड़ा ठंडा करेंगे अपने दिमाग को। पैर छिल चुके हैं इसके दोनों पैर। मैंने इसको इतना मना करने के बाद भी भाई ये गाड़ी लेके आया जबरदस्ती स्टाइल मारने के लिए, और पैर दोनों छिल चुके हैं, पांच खून खून आ रहे हैं इनके दोनों पैर। वो गिलचा दिया है, पूरा पूरा गिलचा दिया है। गाड़ी लाने को मना करने के बावजूद भी अगर आप गाड़ी ला रहे हैं तो फिर आपके नुकसान ही है। ऐसे हालात आपके भी हो सकते हैं अगर आप गाड़ी लाएंगे यहाँ पर। ये बड़े तेज आदमी चला, अब इन्होंने तो गाड़ी लगा दी है यहाँ, पेट्रोल खत्म ना होने के कारण ये गाड़ी नीचे जाने की, आप पता गाड़ी पेट्रोल खत्म, मजा आ रहा है काफी, और पूरी चिड़चिड़ाहट। हल्के तो देखिए इनकी फट चुकी है पूरी, अपनी बात मानते हैं, अपनी चलाते हैं तो चट्टी खाइए। तो कम से कम जहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ से 1 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं, और अभी तक हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। और पीछे अपने काम करना, पता नहीं कैसे कैसे बात कर रहे बच्चों। तो अभी अब ये अपो इतना बड़ा हो चुका है, बच्चों वाली बातें कर रहा है, डायनासोर दिखेंगे ये करेंगे, पता नहीं क्या पागल वाली बातें कर रहा है। अभी काफ़ी दूर जाना है शायद हमें, पता नहीं पानी तो यहाँ दिख नहीं रहा, देखिए पानी दिख रहा हो तो आप बताइए, बिल्कुल भी पानी नहीं है। और लड़कियाँ भी आ रही है वहाँ से शायद आ रही है। तो ये देखिए ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पर, और अगर आगे आप कुछ दिखेगा हमें तो आपको जरूर बताएंगे, अभी तक तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है। अब जा, वो पानी मिल चुका है, और पागल हो चुका है, भूत बहुत आ गया है। तो इसके घर में, अगर इसके घर में कोई देख रहा हो तो चढ़वा दे इसको। तो हमारी आशा निराशा दूर हुई, और भैया पार्टी कर रहे हैं यहाँ पर, और ये कम पानी है, इससे ऊपर हमें जाना पड़ेगा अभी, और ऊपर थोड़ा और ज़्यादा पानी है। आपको एक और छोटा झरना मिलेगा स्विमिंग पूल सा, तो उसके बाद भी आपको संघर्ष करके और थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगी मंजिल, और मंजिल में लगी है बहुत भीड़, जाके देखते हैं। तरह जाओ इस जगह माती आओ तो अच्छा है, गहरा भी ठंडा भी, और जाने तक मारे जाओ। तो भाई बहुत थक चुके हैं, तो अब जा रहे ऊपर, देखते हैं कैसा रहने वाला ऊपर का, और वातावरण मिलता है ऊपर ही। गाइस अगर आपके साथ बच्चे लड़के हैं
तो कृपया करके जगह बिल्कुल ना है। और ये दिखाई जाती है हमें इंस्टाग्राम रील में आसान, लेकिन बहुत ही मुश्किल है ना। रियलिटी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, एक्सपेक्टेशन बहुत झूठ है और रियलिटी बहुत ही बुरी है। ये देखिए बहुत ही दूर चलने के बाद भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है और काफी ऊपर है, तो आ चुका है रास्ता वैसे, पर बहुत दूर है। अगर लड़का, अगर लड़की आपके साथ आ रही है और बच्चे हैं तो आप कृपया करके ना आए, मेरा आप यही सजेशन रहेगा। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पर और यहाँ पर देख कितनी भीड़ है, तो अगर आप आना चाहते भी हैं तो सैटरडे संडे तो ना आए। और मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पर आकर कुछ, जैसा मज़ा की माड़ी में आया था। तो गाइस ये रही लोकेशन जैसा कि आपको वीडियो दिखाया था, पानी गहरा है, ठीक ठाक है, पर ज़्यादा भीड़ है। तो अभी हम नहा चुके हैं और ये पुआई और ये अंशुल कुणाल और वंश मार्था को और आयुष भाई का बहुत बुरा हाल कर दिया है, छिल दिया है, छिल पंगे ले रहा था फालतू में, देखिए उन्होंने दिखाया चुम्मी कर दिया आयुष के है और छिल दिया है उसको बहुत तगड़े तरीके से। देखिए दिखाइए दिखाइए, तो इन पंडितों यही कहना चाहेंगे बिस्टर से पंगा मतलब। और ये विषय भाई आ चुके हैं हमारे साथ पूरे एकदम देसी स्टाइल में, ये वही तीन साल से जिम कर रहे, कोई मोटापा इनका कमी नहीं हो रहा है। और अभिषेक भाई कह रहे डूंगा जाने, और अभी हमें एक बच्चा मिला है, ये बच्चा देखिए बहुत ही खतरनाक है, इसने बेइज्जती कर रखी इसकी। भाई देख लोग चल रहा है, कुछ कहना चाहेगा है लोग? तो भाई जगह उड़ते बाय बाय, शायद दूसरी जगह जा रहे हैं हम। और बोर्ड दिखा बोर्ड बाट ये ढंग से चल ठीक है। यहाँ पर ये पानी फटा हुआ था, पाइप पीने का पानी है, कभी आओ तो यहाँ पे देखते हैं ना। बहुत प्यास लग चुकी है, डिहाइड्रेट हो चुके हैं, तो डिहाइड्रेट हो चुके हैं हम। और यहाँ पे आप नदी में ऐसे आ सकते हैं और ऐसे आपको पाइप दिखे तो साफ पानी होता है इनमें, आप पी सकते हैं। पूरा कैसे पिएंगे पानी दिखाएं आप इनको, पानी पीकर ये क्या 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 लग रहा है आपको इसको देख कर? तो ऐसे आप पानी पी सकते हैं यहाँ पे, जो पाइप भी फटे दिखे आपको। तो अभी बहुत मेहनत के बाद ऊपर चढ़ चुके हैं, अभी बोरा नहीं ऊपर नहीं चढ़े। और मैं तो कहूँगा आपसे कि आप नहीं आए इस लोकेशन में, पर वीडियो को पूरा देख ले कि उसमें मेरा फ़ायदा है आपका नहीं, और यहाँ आने में आपका फ़ायदा भी नहीं है, मेरा फ़ायदा भी नहीं है। और ये आ रहे हैं बत्ती और ये कोई बत्ती नहीं यहाँ पर, तो क्या फ़ायदा आप बताए भी सब यहाँ पर आकर है बोलने की, बोल के कहते वहाँ से अभी हम यहाँ पर आए हैं। ये बहुत बड़ी जगह है, ये डूंगा में लोकेटेड है, इसकी लोकेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इस लोकेशन आप खुद ढूंढ लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो आए तो अब जा रहे हैं नहाने और मिलते हैं आपसे। ले स्टार्ट कर दी, तो गाइज अब स्विमिंग पूल में नहाने के बाद अब हम घर जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को वीडियो ठीक लगी होगी, पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप उस जगह बिल्कुल ना जाएं, उससे अच्छा कहीं आप अपने आसपास स्विमिंग पूल में चल जाएं तो वह बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रैकिंग का कम से कम 40 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट झूठ बताया जा रहा है रील रूल्स में, और 40 मिनट का रास्ता है कम से कम। तो आप वहाँ ना जाकर अपनी कोई वैसी जगह पर जाए, चलते हैं, मैं भी घर जा रहा हूँ। और लाइक शेयर कर देना वीडियो का।